हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर गुड। तो सबसे पहले यार कमेंट करके बता दो सब भाई लोग अपने कि आप लोग कैसे हो। और एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं कुछ इस जगह पे आया हूँ भाई, ये जो रानी चौरी वाला रूट है ना भाई, ये रानी चौरी और गज्जा वाला रूट भी शायद यही है। तो कुछ अभी मैं इधर आया था किसी काम से। बाकी आज की इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी बाइक के 10,000 किलोमीटर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या मुझे इस बाइक पे भाई एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज लगे, वो सारी चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में बताऊँगा भाई, ताकि आप में से कोई बंदा अगर बाइक लेने की सोच रहा है ना, या फिर KTM की कोई भी बाइक लेने की सोच रहा है, 125 RC ड्यूक कोई सी भी हो गई, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा भाई लेने से पहले, और मेंटेनेंस क्या 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 मुझे इस पर लगी अभी तक। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, फील्ड भाई थोड़ा खाली सा है तो उधर बना लेंगे वीडियो। बाकी अभी तो मैं, ये स्कूल है भाई, स्कूल का फील्ड है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप लोगों को मैं चारों तरफ से हरियाली भी है और वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से बन जाएगी। तो अभी वॉकराउंड तो देख लो भाई बाइक का, आप लोग चारों तरफ से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं पहले सबसे आपको मीटर चेक करा देता हूँ भाई। तो अपनी बाइक चल चुकी है भाई 10,600, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी तक मुझे क्या क्या इस पर एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज लगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ऐसी लोकेशन पर आया हूँ, ये चीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे भाई काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, चारों तरफ देख सकते हो। और ये स्कूल है भाई यहाँ पे, रानी चौरी जीआईसी रानी चौरी। तो ये फील्ड है भाई उनका, तो फील्ड में मैं बाइक ला गया हूँ उधर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर से भाई सब चीज़ें समझा सकूँ, सारी चीज़ें जो है क्लियरली आपको लोगों को जो है एक तरह से आइडिया हो जाए भाई। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई डिसएडवांटेज से, क्योंकि लास्ट में आपको एडवांटेज बताऊंगा मैं कि क्या क्या एडवांटेज मुझे मिले। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज शुरू करते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज मुझे इस बाइक पे लगा वो है भाई, इस पर कुछ टाइम बाद ना आपको ABS फेलियर की दिक्कत आने लग जाती है, जो मुझे अभी तक फेस करनी पड़ी। अभी कल भी ये शो हो रहा था भाई मीटर पे, ABS फेलियर का जो सिस्टम है ना भाई, वो पता नहीं क्यों मेरे फ्रंट ब्रेक का जो ABS है ना भाई, वो उस वजह से उसका जो ABS है ना भाई, वो थोड़ा वर्क नहीं कर रहा। बट अब ये किस वजह से हो रहा है भाई ये मुझे नहीं पता, बट ये हो रहा है भाई अभी मेरी बाइक पे। 5,000 किलोमीटर के बाद ये दिक्कत मुझे हुई थी, बट मैंने बीच में चेक करवा दिया था, बट उसके बाद सही हो गई थी। पर फिर अब शुरू से वापस से जो ये चीज़ शुरू हो गई है। तो एक ये दिक्कत आप लोग ले सकते हो कि आप लोगों की बाइक पे जो है कुछ टाइम बाद जो है ABS फेलियर की जो दिक्कत है ना भाई, वो आने लग जाती है अगर आप लोग फ्रंट डिस्क पैड चेंज करवाते हो भाई, ठीक है। मैंने जब फ्रंट के जो पैड है ना भाई, डिस्क पैड, वो चेंज करवाते ना, उसके बाद मुझे जो ये प्रॉब्लम है वो देखने को मिली थी। तो ये तो हो गया इसका पहला डिसएडवांटेज। अब चलते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ, वो है भाई इसका आप लोग बोलो सीट कम्फर्ट। तो सीट कम्फर्ट जो है ना भाई, इसका लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग इस बाइक को टूरर, एज अ टूरर ले रहे हो, टूरर के लिए ले रहे हो, मैं बोलूँगा आप लोगों को ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर आप लोग सच में इसे मतलब लॉन्ग राइड के लिए ले रहे हो ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसकी जो सीट है ना भाई, इसमें जो है एक्स्ट्रा कुशनिंग जो है वो ऐड करा सकते हो, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अनकम्फर्टेबल फील ना हो भाई। क्योंकि इस बाइक में क्या होता है ना, राइडर की सीट तो आप लोग 80-90 किलोमीटर तक जो है आराम से खींच लोगे, बट पीजन कहीं ना कहीं 40-50 किलोमीटर के बाद भाई हालत ख़राब होने लग जाएगी, जो सीट है भाई वो चुभना स्टार्ट हो जाएगी और अनकम्फर्टेबल ही रहेगा। और राइडर तो भाई 80-90 किलोमीटर के बाद राइडर भी जो है अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लोग कंफर्टेबली बाइक को राइड नहीं कर पाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको राइड करने के लिए। इसलिए आप लोग जब भी राइड इस बाइक को लो ना, तो अगर लॉन्ग रूट के लिए ले रहे हो तो आप लोग इस पर एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड करा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस पर एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड कराओ, ठीक है। तो ये था भाई इसका दूसरा डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ, मतलब तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं भाई। वो तीसरा जो डिसएडवांटेज है ना भाई, वो इसका स्टैंड, जो इसका स्टैंड है ना भाई, वो थोड़ा सा लूज़ हो गया अभी जो मुझे देखने को मिला कुछ दिनों से, एक आध हफ्ते से बाद ना मेरे को ये चीज़, ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही। स्टैंड मतलब एक टाइम पे जो है एकदम पे, आप लोग जब स्टैंड को ऊपर की तरफ पुल करते हो ना भाई, तो वो चीज़ एकदम पे बंद नहीं होती, मतलब एक ही बार में बंद नहीं होता। उसके लिए थोड़ा आपको और दोबारा से उसको पुश कर जो है, दोबारा से स्टैंड को जो है धकेलना पड़ता है भाई ऊपर की तरफ, तभी वो बंद होता है, पूरा एकदम पे नहीं होता। और जो स्टैंड है ना भाई,
वो जो ये दिक्कत है ये मुझे सो हो रही है, क्योंकि पता ही आपको लोगों को जब तक इस पर स्टैंड बंद नहीं होता ना भाई, तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होती। और मैं एक बार स्टैंड बंद कर देता हूँ बट जब सेल्फ मारता ना तो भाई तो सेल्फ लेती नहीं है, क्योंकि स्टैंड प्रॉपरली बंद होता नहीं है, मतलब हाफ इतने पे जो है अटक जाता है, तो उसको दोबारा से पैर से थोड़ा पुल करना पड़ता है, तब जाके वो जो है पूरा लगता है भाई। तो ये भी मुझे आजकल में ही, मतलब मान के चलो एक आध हफ्ते से ही ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। बट अब मैं इसको जो है दिखाऊंगा भाई, क्या पता स्टैंड लूज़ हो गया हो या फिर कोई नेट वगैरह जो प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा, तब आप लोगों को बता दूंगा भाई कि क्या दिक्कत आ रही थी। तो ये था भाई इसका तीसरा डिसएडवांटेज। अब चलते हैं चौथे डिसएडवांटेज की तरफ। चौथा डिसएडवांटेज अगर मैं इस बाइक में बताऊँ ना भाई, तो वो है भाई इसका फ्रंट जो ब्रेक है ना भाई, जो फ्रंट ब्रेक पैड है, वो जो फ्रंट जो ब्रेक पैड है ना भाई, वो हल्की सी चूँ चूँ की जो नॉइज़ होती है ना, वो इस पर कर रहे हैं। अब ये पता नहीं किस वजह से हो रहे हैं बट कर रहे हैं भाई, और वो जो साउंड है ना भाई वो काफ़ी बेकार लगती है। ठीक है, पहले तो मैं सोच रहा था भाई जो अपना मोबाइल ऑर्डर है ना वो ये दिक्कत कर रहा है, बट नहीं भाई बाद में मुझे पता चला तो फ्रंट ब्रेक है। जब ब्रेक मारो ना भाई तो हल्की सी चूँ चूँ की आवाज़ आती है, भले वो साउंड बहुत ही कम है बट कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा भाई काफ़ी बेकार लगती है वो साउंड। तो ये भी जो है मुझे अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे तभी आई है जब मैंने इसके ब्रेक पैड चेंज करवाए। अब मैंने अच्छी कंपनी के ब्रेक पैड नहीं डलवाए या फिर किसी और वजह से ये चीज़ आ रही है, बट ये मुझे पता नहीं, बट वो चीज़ हाँ यार ये दिक्कत है आ रही है इस ब्रेक पे। ठीक है, तो ये अपना चौथा डिसएडवांटेज था। तो अभी भाई यही थे चार डिसएडवांटेज जो मुझे इस बाइक पे देखने को मिले। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे इस पे कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा, कोई भी दिक्कत देखने को मिली है नहीं मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इस बाइक की, क्योंकि मुझे जो भी जो दिक्कत है ना अभी तक जो मैंने आपको इस पर दिक्कत बताई है, वो सारी दिक्कतें भाई आउटसाइडेड है, इनसाइडेड कोई भी दिक्कत नहीं मिली, इंजन से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंजन का भी मेरे को कोई भी काम नहीं आया भाई, कोई भी चीज़ें जो आउटसाइडेड वर्क है ना भाई, वो मैं बोलूँगा कि भाई फर्स्ट क्लास बाइक है। आप लोग अगर KTM की तरफ जाना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल ही, मतलब अगर कोई भी सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हो ना भाई तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाइक जो है काफ़ी बढ़िया लगती है भाई चलाते टाइम, और इतना भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। बाकी अगर मेंटेनेंस की सर्विस कॉस्ट बता दो तो लगभग आप लोग ये मान के चलो कि 2500 से 3000, मतलब 2500 से 3200 तक के आपको जो है मेंटेनेंस इस पर सर्विस कॉस्ट जो है लगने वाले हैं। ठीक है, फ्री सर्विस तो आपके 2500, 2600 तक हो जाएगी, बट जबकि आफ्टर जो उसके बाद जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है ना भाई, वो जुड़ा के फिर आपकी जो 3200-3300 तक हो सकती है, अगर आपकी बाइक में सारी चीज़ें नॉर्मली जो चेंज होती है वही चेंज होगी भाई। अगर कोई और चेंज जैसी दिक्कत जो स्पॉकेट वगैरह में दिक्कत आती है, तो अगर वो भी भाई आप लोग कंपनी से चेंज कराते ना भाई, तो वो चीज़ आप लोगों को भाई काफ़ी महंगी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो ये था, तो ये तो मैंने आपको बता दी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जो सर्विस कॉस्ट है। बाकी माइलेज की बात बताऊँ तो माइलेज ये बाइक देती है भाई मुझे अभी तक, मैं अगर बड़ा बड़ा बताऊँ तो 24-25 तक का माइलेज मुझे आराम से निकाल के देती है इधर पहाड़ों पे। ठीक है, अभी तक जैसे आपको पता ही है कि मैं पहाड़ों पे राइड करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, तो इतना माइलेज मेरे को निकाल के दे देती है भाई ये। ठीक है, और ज़्यादा मैं अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 800 cc का जो पावरफुल इंजन है, तो कहीं ना कहीं जो आपको माइलेज में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अब आप लोग स्पोर्ट्स बाइक लेके ना अगर ये सोचोगे कि आप लोग 50-60 किलोमीटर का माइलेज मिल जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो माइलेज भी आपको बता दिया। अब चलते भाई एडवांटेज की तरफ, डिसएडवांटेज तो होगा, मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी, माइलेज भी आपको बता दिया। तो अब चलते भाई एडवांटेज की तरफ, क्या क्या चीज़ें मुझे इस बाइक पर अच्छी लगी है भाई, जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा आप लोगों को उस वजह से भाई इस बाइक को बिल्कुल लेना चाहिए। पहला जो एडवांटेज है वो है लुक का भाई, लुक चेक कर लो। अभी तो खैर मैंने मॉडिफाई कराया, उसके बाद थोड़ा ऐसा लुक आ रहा है, बट अगर आप लोग स्टॉक भी बाइक देखोगे ना तो सेम आप लोगों को 390 वाले लोग देखने को मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुक में भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बाइक ने, मतलब कंपनी ने इस बाइक के साथ। ठीक है, और सेगमेंट की बाइक के साथ नहीं बोलूँगा, बट 250 और 390 में ना भाई लुक जो है आपको ज़बरदस्त मिलते हैं, और वो जो खेल है ना भाई वो सारा लुक का वो इस हेडलाइट की वजह से, क्योंकि जो ये हेडलाइट है ना भाई उस टाइम आपको 390 में भी देखने को मिलती है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई। ठीक है, और लुक तो आपको भाई 390 वाले मिलेंगे, अगर आप लोग इस सेक्शन को जो है इग्नोर करते हो तो आप लोगों को भाई गेस नहीं कर पाओगे कि कौन सी 390 और कौन सी 250 है। ठीक है, तो ये पहला तो एडवांटेज हो गया भाई इसका लुक। तो दूसरा एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊँ ना तो वो है इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ने भाई मतलब क्या बताऊँ यार, ब्रेकिंग का तो मैं फ़ैन हो गया KTM का। ठीक है, ब्रेकिंग जो है ना भाई मेरे को हर चीज़ में मतलब
जो ब्रेकिंग जो ब्रेक इसके ब्रेक का जो रिएक्शन टाइम है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, भले ए वैसे, बट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई, बहुत अच्छे ब्रेक है भाई। आप लोग अगर ब्रेकिंग के मामले में ले रहे ना बाइक को, तो मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली, ठीक है। ब्रेकिंग तो यार काफ़ी ज़बरदस्त देती है बाइक निकाल के, फ्रंट वाला ब्रेक खासकर, क्योंकि बाइक वाले ब्रेक में तो रेयर वाला जो सेक्शन है उस वाले ब्रेक का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट फ्रंट वाला जो ब्रेक है ना भाई वो काफ़ी बढ़िया है भाई निकाल के, मतलब फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो मुझे पर्सनली, मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ भाई वो फ्रंट वाला ही करता हूँ। और ये ब्रेकिंग तो भाई मैं काफ़ी बढ़िया बोलूँगा कि ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, और सेम ब्रेकिंग ना आपको सेंटी में भी यही सेम ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, तो आप लोग गैस कर सकते हो भाई कि आप लोगों को भाई 390 जो सीसी है ना उसके हिसाब से आप लोगों को ब्रेकिंग देखने को मिल रही है 250 सीसी सेगमेंट में, तो ये एक जो है काफ़ी बढ़िया एडवांटेज है भाई आप लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं भाई तीसरे एडवांटेज की तरफ, जो तीसरा एडवांटेज है भाई उसकी वो है इसके सस्पेंशन, जो आपको पीछे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन है भाई, ये WP का सस्पेंशन है, एपेक्स करके कुछ है भाई ये, अभी मुझे इतना पता नहीं है, मोनोशॉक है शायद से, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन है भाई, अब इस सस्पेंशन की खासियत मैं आपको क्या बताऊँ ना, बताऊँ तो वो चीज़ है, अगर आपकी हाइट कोई छोटी है ना भाई, ठीक है, 5'2", 5'3" तो आराम से चला लेंगे, बट तो अगर उससे छोटी है तो आप लोग भाई इसमें एक फ़ायदा उठा सकते हो, वो इसके एडजस्टेबल सस्पेंशन, आप लोग इनको एडजस्ट करके ना अपने हाइट के हिसाब से जो इसकी सही हाइट को जो है कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस बाइक में, जो कि KTM प्रोवाइड करती है भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका तीसरा एडवांटेज, अभी चलते हैं इसके चौथे एडवांटेज की तरफ। चौथा एडवांटेज अगर मैं बताऊँ ना तो वो है भाई पावर। देखो पावर में आप लोगों की इस बाइक में मैं बताऊँ ना तो 250 सीसी की सेगमेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई इसको बीट करने वाली मशीन है भाई इंडिया में, ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा मतलब 250 सीसी सेगमेंट में यही सबसे पावरफुल मशीन है, 250 KTM Duke 250, ठीक है। तो ये पावर तो आप लोगों को कमी नहीं होने वाली भाई, पावर के मामले में आप लोग ये नहीं बोल सकते कि यार इस पर कोई कमी है। 250 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से भाई पावर जो इस पर 30 PS की पावर मिल जाती है और 25 Nm टॉर्क मिल जाता है भाई आपको, ठीक है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। बाकी तो पावर में आपको मैंने बता दी, तो पावर में आप लोगों को कोई भी भाई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अभी पाँचों अगर मैं आपको इसका एडवांटेज बता दूँ ना, तो पाँचों एडवांटेज है भाई इसका बेटर हैंडलिंग। देखो कोई भी बाइक लेने से पहले ना, अगर आप लोग नॉर्मल अगर स्टूडेंट हो और ऑफिस वगैरह जाते हो, तो देखो जो लोग भाई मार्केट एरियाज़ में या फिर जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगता है वहाँ लोग अगर आप लोग रहते हो ना, और आप लोगों को ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में भी अच्छी हो, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी भी हो और आपके बजट में भी हो, और अच्छी मतलब वेट भी इतना ज़्यादा ना हो और इजी हैंडलिंग हो भाई, तो आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग ट्रैफिक में आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात आने वाली नहीं आपको, आप लोग बिल्कुल ही भाई मतलब इजीली आप लोग इस बाइक को जो हैंडल कर सकते हो भाई, कोई ऐसा मतलब ज़्यादा वेट नहीं बोलोगे, नॉर्मल ये वेट आपको देखने को मिल जाता है भाई 169-170 के करीब, तो इतना ज़्यादा नहीं है भाई, आप लोग ट्रैफिक में इसको आराम से भाई चला सकते हो बात पे। तो यही था भाई आज की वीडियो में, होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया ना भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ख़ासकर उनके साथ भाई जो ये बाइक लेने की सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर भेज देना, उनको ये वीडियो ज़रूर भेज देना भाई, ताकि वो लोग एक आइडिया लगा पाएँ कि अगर वो लोग KTM की कोई भी बाइक लेने की सोच रहे ना भाई, तो कितना उन लोगों को जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपना बजट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।